धमतरी जिले में कृषि बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ किसान संघ ने पुरूर गांव में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं नेशनल हाईवे क्रमांक 30 को बंद कर किसान सड़क पर ही बैठ गए। इधर डोंडी लोहारा के पूर्व विधायक जनकलाल ठाकुर ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है और किसान पूंजीपतियों के हाथों शोषण का शिकार होंगे। धमतरी किसान संघ के जिला अध्यक्ष ने किसानों के हित में समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं करने तक सड़क पर लड़ाई जारी रखने की बात कही है। इस पूरे देश को निजीकरण के कानून के माध्यम से, पीपी मॉडल के कानून के माध्यम से इस देश को निजीकरण के गर्त में ढकेल देना चाहती है, कारपोरेट घराने के मुंह में डाल देना चाहती है। ऐसी नीतियों का विरोध पूरे देश के अंदर। आज हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर आज चक्का जाम किए हैं। सबसे पहला मांग है केंद्र सरकार द्वारा जो 3 बिल पास किया गया है, ये करिया कानून जो पास करे है वो किसान मन के हित में नहीं है, ये पूंजीपति मन के हित में हावे। अगला वक्ता के रूप में मैं तो 8 सूत्री मांगों को लेकर धमतरी में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कृषि बिल के विरोध में भी किसान संघ का हल्ला बोल लगातार जारी है और सिर्फ धमतरी में ही नहीं, अगर कृषि बिल की बात करें तो देश के तमाम बड़े राज्य हो, शहरों हो या फिर गांव ग्रामीण इलाके हो, कई जगह पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखा गया और केंद्र को भी केंद्र से लगातार मांग की जा रही है। राष्ट्रपति के नाम भी कई जगह ज्ञापन दिए गए हैं कि जो ये कानून है इसको वापस लिया जाना चाहिए और ये किसान हित में बिल नहीं है। तो वहीं बीजेपी लगातार इसको लेकर किसानों को समझाने की कोशिश भी कर रही है और साथ ही उसका ये भी कहना है कि ये किसानों के हित में ही ये बिल लाए गए हैं, कानून बनाया गया है, आगे जाके किसानों को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो इसे बुनाने में कांग्रेस जुटी हुई है और साथ ही कांग्रेस का कहना है कि इसको लेकर लगातार विरोध किया जाएगा, सड़कों पर उतर कर विरोध करेगी कांग्रेस और केंद्र से मांग की जाएगी कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। तो धमतरी में जिस तरह से प्रदर्शन जारी है, कई सारी जगहों पर इसी तरह का प्रदर्शन देखा गया और धमतरी में 8 सूत्री मांगों को लेकर यह हल्ला बोल जारी है और नेशनल हाईवे क्रमांक 30 को भी बंद कर दिया गया है और किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता अंकुर तिवारी है। अंकुर, अगर किसान बिल की बात करें तो उसको लेकर कई जगह पर विरोध प्रदर्शन जारी है, पर यहाँ पे किसानों का कहना है कि 8 सूत्री मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, तो बाकी मांगे क्या हैं? जी, किसान इस बात से भी नाराज है कि छत्तीसगढ़ सरकार से 1 नवम्बर को धान खरीदी की मांग की गई थी और उस मांग को सरकार ने अनसुना कर दिया, मांगे नहीं मानी गई, इसलिए भी किसान नाराज है। तो इस वजह से धमतरी और बालोद जिले के किसानों ने ये चक्का जाम किया और धरना प्रदर्शन किया। जी, तो अंकुर, अगर कृषि बिल को छोड़ दिया जाए, वो एक लंबी लड़ाई है, बाकी की जो मांगे हैं उसको लेकर छत्तीसगढ़ क्या ध्यान दे रही है छत्तीसगढ़ की सरकार? किसानों का कहना है कि लगातार राज्य और केंद्र सरकार से जो भी मांग किसान कर रहे हैं उस पर सरकार गंभीर नहीं है और किसानों की जो मांग है उसे सरकार ने अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। इस वजह से किसानों में गुस्सा है, नाराजगी है और इसी कारण धमतरी और बालोद जिले के किसानों ने चक्का जाम किया और प्रदर्शन किया। जी, और अंकुर, अभी वहां पर किस तरह की स्थिति देखी जा रही है, किसानों का क्या कुछ कहना है, कब तक यूं ही जो हल्ला बोल है जारी रहने वाला है? पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन के जो लोग थे वो आए हुए थे, उन्होंने किसानों से बात की, इसके बाद किसानों ने अभी अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। जी, पर अंकुर, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि छत्तीसगढ़ सरकार बार बार कह रही है कि हम अपने राज्य में उस कानून को लागू नहीं करेंगे, उसको लेकर कांग्रेस की सरकार है वो लड़ाई लड़ने की बात कर रही है, फिर किसानों में इस बिल को लेकर क्यों मतलब आक्रोश देखा जा रहा है राज्य को लेकर? असल में किसानों को भरोसा नहीं है सरकार पर। जी, सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, ऐसा किसानों का कहना है और इस वजह से किसानों में ये गुस्सा है और किसान कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान की फसल अब तैयार हो चुकी है और किसानों ने 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू करने की मांग। अंकुर, आपने बताया कि अभी आश्वासन दे दिया गया है, तो किसी तरह की मांगे उनकी जो है बाकी की वो पूरी कर ली जाएंगी
इस तरह का कुछ जिम्मेदारों की तरफ से बयान आया है सामने, क्योंकि धरना अब खत्म हो चुका है? जी, किसान लौट गए हैं, जो प्रशासन से इसी बात हुई है इसके बाद से किसान अपने घरों को लौट गए हैं और ये आंदोलन जो है ये समाप्त हो चुका है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बात करें